Oh, hi. आ गए तुम लोग? क्या पुली नंबर वन का रिव्यू करना है? जरूरी है। ओ हाँ, व्यूज मिल के करते फिर बताऊँ मैं तुमको साइड में। और करते शुरू, अभी क्या करने हैं कुछ। मैं सुबह सुबह उठ के वीडियो शूटिंग को बैठ गया है, पेंटिंग जो मैं सो के उठा था, मस्त एकदम सेटअप भी चेंज किया है। अरे सो पुली नंबर का वन का रिव्यू, तो क्या कहाँ से स्टार्ट करें? इंट्रो लगाते हैं पहले, तो रोल दी इंट्रो। तो अगर तुम लोगों को रिव्यू चाहिए तो मैं उसको 30 सेकंड में खत्म कर सकता हूँ यार। मत देखो मूवी, बस खत्म। वही याद मूवी है, सबको पता है। खराब मूवी है, सबको पता है। बट उसमें से कुछ अच्छा निकालना है तो ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि भाई हम लोग बुराई में भी अच्छा ढूंढने वाले लोग हैं। ठीक है, फिर मैं भी अच्छा निकालूंगा कुछ ना कुछ, तो देखते हैं अभी क्या होगा। तो इस वीडियो में हम लोग अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो मैंने वो टाइम स्टैम्प में लिंक डाले दिए, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। तुम लोग वैसे, तुम लोगों को जैसे जहाँ पे देखना है वैसे करो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो देखना, क्योंकि जरा फनी भी होगा वीडियो और थोड़ा तुम लोगों को समझ में आएगा कुछ, तो मतलब सीखने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो देखना, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा तुम लोगों को। और मेरी आवाज़ ऐसी बैठी बैठी से लग रही है क्योंकि ठंडी चल रही है, इसलिए दैट्स व्हाई। मेरा कोई फॉल्ट नहीं है उसमें अभी। छोड़ है मेरे को कॉफी। हाँ बाय द वे, कॉफी बन रही है, मैं आता हूँ 5-10 मिनट में। ओके ओके, सो या वेलकम टू द कॉफी विद कुली। हाँ तो अभी मूवी के बारे में बात करनी शुरू करनी थी हम लोगों को, तो या तो मूवी के बारे में, मूवी देखते टाइम पे मेरा सबसे पहला जो सवाल मेरे दिमाग में आया वो था कि ऐसी मूवी आज के दिन में एग्जिस्ट ही क्यों करती है, इसके पीछे बिजनेस मैन क्या था। सो मैं वही सोच रहा था और मैंने कुछ थ्योरीज निकाली। हाँ ठीक है, तो ये मूवी जो है वो थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनाई गई थी। ये मूवी थिएटर में रिलीज करने के लिए बनाई गई थी और उसमें वो थिएटर वाला वाइब था, जब एक हीरो अपनी बंदी को बचाने के लिए गुंडों को मार रहे हैं, वो बहुत मतलब हम लोग थिएटर में वो सब एंजॉय करते हैं। इवन दो कुछ ऐसी चीज़ें भी थी लाइक डांस था, सॉन्ग्स भी वैसे ही डिजाइन किए गए थे जो थिएटर में जाके एंजॉय करने लगे। वो बहुत सी चीज़ें थी ऐसी कि जो थिएटर में जाके हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते, क्योंकि थिएटर का मॉब ही अलग होता है, चारों बजों से आवाज आ रही होती है और हम लोग सिर्फ उसको एंजॉय करते हैं। बट ये जब सडनली ये OTT पे रिलीज होनी हुई तो हम लोगों ने ये मोबाइल टीवी या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे देखी रहेगी, तो हम लोगों को वो वाला फील नहीं आया। मतलब हम लोगों को समझ में आया कि ऐसी मूवी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। पुली नंबर वन जो पुरानी वाली थी वो थिएटर में रिलीज हुई थी और वो बहुत चली थी, क्योंकि वैसे एक्सपीरियंस हम लोगों को पसंद है उस टाइम पे, उस टाइम का भी ऐसी था। आज भी हम लोगों में कहीं ना कहीं है वो चीज कि हम लोग थिएटर में जाके लिटरली सैराट के टाइम पे लोग नाच रहे थे। तो अभी ये मूवी भी वैसी तरह से डिजाइन की जाती है कि हाँ हम लोग एंजॉय कर सके। अभी ऑल द वे हमारे यहाँ पे इतना कल्चर ये नहीं है कि नाचने लगे वगैरह, पर ठीक है वो हम लोग एंजॉय वही उसी तरह से कर रहे थे मूवी को। एंड जो पुली नंबर वन का जो सक्सेस था जो पुरानी वाली, उसको देखकर डेविड धवन के दिमाग में पता नहीं क्या कहाँ से ये आइडिया आया कि ये अभी मूवी फिर से हम लोग अपने बच्चे के साथ करेंगे, कि फिर वो फ्लॉप हो गई। मतलब अभी तो समझ रहा सबको, फ्लॉप हो गई। गलती उसकी भी नहीं, उनका वो जो माइंडसेट था वो जुड़वा 2 से ही ये हुआ था, क्योंकि जुड़वा 2 के बाद उसका प्लान ही था कि साजन से ससुराल को रीमेक करनी है, वो नहीं कर पाया। पता नहीं अभी क्यों, मुझे उसका वो रीजन नहीं पता, बट उसने सडनली सोचा कि कुली नंबर वन को रीमेक करते हैं। तो जुड़वा 2 का जो सक्सेस था ऑलमोस्ट 200 करोड़ के पार, उससे उसको लगा कि अगर ये मूवी भी मैं थिएटर में रिलीज करूंगा, क्योंकि जुड़वा 2 इतनी खास मूवी थी नहीं, स्टिल वो थिएटर में रिलीज हुई थी इसलिए उसने मतलब कमाया, क्योंकि वो वही माइंडसेट था कि थिएटर में वो लोग मूवी एंजॉय करेंगे, राजा वाली फीलिंग वो सब थिएटर में लोग एंजॉय करते हैं लिटरली। तो वही फील हम लोगों को यहाँ पे लाने की कोशिश की गई, इसी वजह से वो मूवी जब OTT में रिलीज हुई वो वन ऑफ द मोस्ट रीजन है कि मूवी फ्लॉप। तो अभी सेकेंड बात कर 1995 में जो पुली नंबर वन रिलीज हुई थी और 2020 में ये वाली हुई थी, तो 1995 से 2020 में हमारे लोगों का बहुत ज्यादा मूवी का टेस्ट बदल गया है, बहुत सारी चीजें मतलब माइंडसेट बदल गया है। और ये मूवी लिटरली उनको नॉस्टैल्जिक फील कराने के लिए मूवी बनाई गई थी। मूवी का मेन मोटिव यही था कि मूवी नॉस्टैल्जिक लगे, बट ऐसा हुआ नहीं। अभी जनरेशन बदल गई है, ऑलमोस्ट नई जनरेशन है और बहुत से लोगों को मतलब पसंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि छोटा स्क्रीन और बड़े स्क्रीन में बहुत फर्क होता है। मैंने तो सिंगल स्क्रीन कभी एंजॉय नहीं किया है, बट स्टिल फर्क तो पड़ता है। मूवी की स्टोरी के बारे में क्या बात करूं, मूवी की स्टोरी है ही नहीं,
मतलब मूवी का जो स्टोरी सिंपल है, एक बंदा उसकी माँ उसको मतलब गलती से भूल जाती है रेलवे स्टेशन पे, वो भी मुंबई में। हाँ, वापिस भी नहीं आती अगले स्टेशन पे उतर के वगैरह, कुछ नहीं, वो चली जाती है। हाँ, एंड उसको फिर कुली मिलते हैं, उसको उसकी हेल्प करते हैं, उसको बड़ा करते हैं और वो कुली बन जाता है। एंड देन उसको एक लड़की से लव एट फर्स्ट सेट, लव एट फर्स्ट सेट। भाई अभी तक तुम लोग लव एट फर्स्ट सेट पे बिलीव करते हो? फोटो देख के उसको प्यार हो जाते हैं है? भाई 1995 में अच्छा था, ठीक था, ये चलता था क्योंकि वो सब चीजें उस टाइम पे बिक रही थी। अभी नहीं बिकेगा क्योंकि लोग बहुत ही अलग तरह से सोचने लगे। एंड मतलब मुझे समझ में आया लव एट फर्स्ट सेट पॉसिबल कैसे, और फिर उसका एक चैलेंज रहता है, वो सब बहुत बहुत कुछ हुआ। एंड देन आई रियलाइज कि मूवी की स्टोरी में जरा भी दम नहीं है, मूवी का स्टोरी वाहियात है। मतलब कहाँ से भी कोई कनेक्शन लगाने की कोशिश की गई है मूवी में, और दैट्स इट। मतलब कुछ खास नहीं लगा मुझे मूवी में। अभी नेक्स्ट बात करेंगे टेक्निकलिटीज और विजुअलाइज, मतलब प्रोडक्शन वगैरह। प्रोडक्शन बहुत तगड़ा था मूवी का, बहुत ही तगड़ा, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी थी मूवी। बस ऑडियो क्वालिटी और मिक्सिंग में थोड़ा सा गड़बड़ था, क्योंकि मैंने बहुत से सीन्स में नोटिस किया कि मूवी का फोन कहीं और जा रहा है और लिपसिंग कहीं और हो रही है। मतलब कुछ तो गड़बड़े थी मुझे लग रहा था, और बहुत मतलब मुझे ये लगा कि मूवी की टेक्निकलिटीज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उसको फिर भी उनके दिमाग में यही था ना कि थिएटर में रिलीज करनी है, थिएटर में इतना ऑडियो क्वालिटी वगैरह कोई ये नहीं करता, सोचता नहीं कि लिपसिंग मैच हो रहा है कि नहीं। तो अभी मूवी के एक्टर्स के बारे में बात करें, तो मूवी के एक्टर्स की लिस्ट में है सबसे पहले तो वरुण धवन। वरुण धवन को मैं रियली अप्रिशिएट कर जाऊंगा, क्योंकि वो बंदा अगर उसको गंदी मूवी बनानी होगी ना तो भी वो पूरी अपनी जान लगा देगा मूवी में, ऐसा बंदा है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, एक्सपेक्ट नहीं था वरुण धवन से कि वो इतनी गंदी मूवी भी इतने डीप पोटेंशियल से बनाएगा। उसके लिए उसको अप्रिशिएट करना बनता है, क्योंकि वही बंदे ने बहुत जान डाली है मूवी में। अगर गंदी भी मूवी, बाप के कहने पे गंदी भी मूवी बना रहे तो बहुत अच्छे से बना रहे। सलाह अली खान का पता नहीं मुझे यार ऐसी मूवी क्यों बना रही है। लास्ट फिल्म जो उसने की थी वो थी सिम्बा लव आजकल में एक्टिंग कहाँ लगती है, रोमांस था उसे थी, नॉर्मल रोमांस। और सिम्बा जो थी वो एक सिंपल मीडियोकर मूवी थी, थोड़ी सैड, थोड़ी हैप्पी, थोड़ी कॉमेडी, वो सब था। मतलब वो मूवी अच्छी थी। केदारनाथ का पता है को, वो केदारनाथ का क्या सक्सेस था, नीचे गिर गई वो मूवी। नेक्स्ट है परेश रावल। परेश रावल का जो कैरेक्टर था वो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, क्योंकि उस लास्ट मूवी में वो कादर खान ने किया था और ये कैरेक्टर अभी इसको करना था, और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो, फिर भी उन्होंने अच्छे से निभाया, क्योंकि परेश रावल इज अ ग्रेट एक्टर, हम सबको पता है। बट कहीं कहीं वो मुझे प्लॉट होल्स और लूप होल्स लग रहे थे, तो वो उनकी एक्टिंग पे इफेक्ट कर रहे थे मूवी में, क्योंकि उनको भी पता है कि मूवी बहुत गंदी है। एंड देख उनको पता चल चुका था, क्योंकि सी इंडिया में जो कॉमेडी टेस्ट है वो अभी तक वैसे का वैसा ही रह गया, पुराना वाला चॉइस। मुझे पता नहीं अभी हेरा फेरी 3 में भी ऐसा ही सीन होने वाला है कि नहीं। अभी बात करेंगे जावेद जाफरी, जॉनी लीवर और कौन था, हाँ राजपाल यादव, ये तीनों का ना बहुत कम स्क्रीन टाइम था मूवी में। मूवी में उन मतलब जितना भी था उनको कॉमिक इफेक्ट जो रहता है, कॉमेडी इफेक्ट, वो उन्होंने मेंटेन करने की पूरी मूवी में कोशिश की, बट अच्छा रहा उनका कॉमेडी वाला वो वाइब था, वो अच्छा टिका। जावेद जाफरी का जो रोल था वो पुरानी मूवी में जो मराठी एक्टर है कोई, तो मुझे उनका नाम याद नहीं, बट वो बहुत फेमस एक्टर है, उन्होंने किया था। और अभी इसमें वो रोल अलग ही था, मतलब बहुत ही अलग था मूवी में, पता नहीं क्यों मुझे उस वाली मूवी से इस वाली मूवी में वो सेम वाइब्स आई नहीं कैरेक्टर की। एंड राजपाल यादव को डेविड धवन क्या बायनोकुलर से दिखता है, तोतला। उसकी मैंने दो मूवीज में वो लगातार तोतला था। अगर राजपाल यादव को खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या इमेज बना रहा है दुनिया के सामने। सी इंडिया में ना जैसा कैरेक्टर प्ले करते वैसे उस एक्टर की इमेज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान को ही ले लो, तुम लोगों को बताए क्या है वो। यार राजपाल यादव कब से इतना ये हो गया कि भाई तोतला रोल करने लगा। कॉफी खत्म, बात करेंगे डायरेक्ट। हाँ तो यार राजपाल यादव में ऐसे समझ में नहीं आया मेरे को। हाँ अभी जो है वो सबसे मेन कैरेक्टर है मेरा, मतलब तुम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, उसका नाम था सोहिल वैद। सोहिल वैद पता है कौन है? नहीं पता होगा, क्योंकि उसको सिर्फ दिल पे चढ़ा के टाइम पे तुम लोगों ने बहुत सारे पे चढ़ा के रखा था। अभी किसको पड़ेगी उसकी उसकी एक्टिंग की, उसने क्या किया, किसी को नहीं पड़ी। सिर्फ हिप्पोक्रेट बनना आता है तुमको। सोहिल वैद वो वही था जो वरुण धवन के साथ था, वो दीपक का रोल जिसने किया था वही, नहीं पता था ना उसको। तुम लोगों ने दिल बेचारा के टाइम पे चने के झाड़ पे चढ़ाया था, सोचो जरा इतना तुम लोगों ने उसको चढ़ा के रखा था, और अभी क्या है, अभी भाव भी है और फिर बोलते हैं हम लोग अच्छे टैलेंट को सपोर्ट कर।
अभी नेक्स्ट बात करेंगे म्यूजिक के बारे में, क्योंकि मैं म्यूजिशियन हूँ, म्यूजिक के बारे में बात करना मेरा हक है। म्यूजिक दिया है मूवी में आनंद मिलिंद ने पूरा का पूरा वो वाइबी पार्टी म्यूजिक और 90s म्यूजिक का ट्राय रखने का कोशिश किया है पूरी मूवी में। और मुझे भी उसमें से मैंने गाने सुने ही नहीं, सिर्फ दो गाने सुने थे, हज्जा सामने से, वो हाँ वही हज्जा सामने से, और दूसरा था वो गाना बोरिया चुड़ाना मेरा दिया जी हाँ सॉरी, वो दोनों गाने मैंने सुने और वो वही मुझे 90s वाली वाइब से ही मुझे अच्छा लगा गाना सुन के, मतलब पुरानी नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आई। और कुछ तनिष बाग की इफेक्ट डाला है उसने, बस मुझे ये दिख रहा था, पर तनिष बाग की म्यूजिक क्रेडिट्स में नहीं था, मुझे लगा लिखा नहीं उसका नाम के इधर भी, तो हाँ वो था। और अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक ओके था, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसे कहीं पे लग रहा था कि ये म्यूजिक यहाँ पे क्यों है, बट हाँ उसमें जो रोमांस वाला जब सीन रोमांस में बन जाता था तब एक फ्लूड आती थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अगर मुझे मिली तो मैं लगा दूंगा इसके बाद। अभी हम लोग करेंगे मूवी के बारे में कुछ अच्छी बातें। मूवी में तीन चीजें थी जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हुई थी मेरे हिसाब से, पूरी मूवी तो क्रिटिसाइज हुई थी बट उसमें से तीन चीजें ऐसी थी जो ज्यादा क्रिटिसाइज हुई थी। उसमें से फर्स्ट था उसमें व्हील बैग को उसने सर पे उठा के रखा था वरुण धवन ने, सो उस पे लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। तो मैं उनसे से मतलब मेरा रिप्लाई ये रहेगा कि भाई अभी ना इंडिया में कोली कल्चर खत्म हो चुका है, इंडिया में वो कोली कल्चर उनको लाना था मतलब मूवी के थ्रू वापस, मतलब उनको सिर्फ ये दिखाना था कि हाँ नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग, क्योंकि पहले था कोली कल्चर इंडिया में 1995 के टाइम पे, आज तो मुंबई में वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट स्टिल उन्होंने वो इफेक्ट डाला। और अगर तुम लोगों को सबको पता है कि भाई अभी विलर्स बैग ही मिलते हैं हमारे, इसमें विलर्स बैग ही मिलते हैं अभी, वो डब्बा वाला बैग नहीं मिलता आजकल, तो उसी वजह से उनको ये इफेक्ट रहेगा ना, नहीं पुरानी बैग्स तो मिली नहीं होगी अभी, पता नहीं अभी उनका प्रोडक्शन हाउ कॉस्ट क्या था वो सब, उस वजह से उनको पुरानी बैग्स या फिर स्पॉन्सरशिप भी रह सकती है नई बैग्स की, पता नहीं अभी यार, तो उसी वजह से उन लोगों को वो सीन गलत हो गया। बट ठीक है एक्सेप्ट करो ना कि अभी कोली कल्चर है नहीं तो वो कहां से लाएंगे वो सारी बैग्स। तो अभी सेकेंड चीज थी मूवी के डायलॉग्स, बहुत बार लॉजिकलेस थे, मतलब पंच और मतलब मूवी के डायलॉग्स की वजह से मूवी ज्यादा लॉजिकलेस बन गई। जैसे कि एक दो लोगों को सीन बताता हूँ, एक सीन पर वरुण धवन जो राजू का कैरेक्टर है वो परेश रावल की माँ मतलब सारा अली खान जो उसकी वाइफ होने वाली उसकी दादी से मिलता है, एंड वो मतलब परेश रावल की वो माँ थी, तो ही सेड कि मेरे वो उसको बोलता है कि मैंने कभी माँ को देखा ही नहीं इसलिए मुझे माँ से बहुत लगाव है। भाई वो दादी है ठीक है, किसी और की माँ है तो, बट लॉजिकलेस लगाया मेरे को कि भाई समझ ना तू क्या बोलना, किसके सामने क्या बोल रहा है कुछ मुझे समझ में ही नहीं आया। ओके जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ डायलॉग था उसमें, मतलब विधा कृष्ण ने भी उसमें उसके वीडियो में बहुत बार बोला और पॉडकास्ट में भी बहुत बार बोला कि एक डायलॉग था परेश रावल का जिसमें रावल बोलता है कि सारा की बुकिंग हो गई है तो अभी उसमें नजर मत डाल, उस डायलॉग पे उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला परेश रावल को कि तुम लोग अभी 2020 में इतना सेक्सिस्ट डायलॉग वगैरह रेसिस्ट डायलॉग कैसे बोल सकते हो। एंड मेरा बस सवाल उन लोगों से इतना है कि ये डायलॉग अगर मिर्जापुर में होता तो तुम्हारा रिएक्शन सेम होता नहीं, सिर्फ सवाल है कि नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं सेम नहीं होता, तुम लोग बहुत कूल समझते भाई मुन्ना भैया मतलब मिर्जापुर में वो बिना मतलब बिना का जो कैरेक्टर था उसको कितना क्रिटिक मतलब ये किया गया था उन लोगों की इसमें से, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट एक कॉमेडी मूवी में थोड़ा सा क्या सेक्सिस्ट डायलॉग बॉलीवुड में क्या कुछ बोल दिया भाई, तुम लोग तो हत्ते चढ़ गए। आई डोंट नो मैन वेदांत दृष्टि अगर मुझे नहीं पता तो वीडियो तेरे से वीडियो पोस्टी भी रहेगी कि नहीं, मैं पहुंचा दूंगा कोशिश करूंगा, बट बिलीव ना कि अगर तुम लोग स्ट्रेंजर थिंग्स देख के भी वही वाइब्स देते हो, स्ट्रेंजर थिंग्स में 17 साल के बच्चों को सेक्स करते टाइम पे तुम लोगों को कुछ नहीं ऐसा बुरा नहीं लगता, बट अगर इंडिया में कुछ ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा सेक्सिस्ट डायलॉग बोल दिया तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है भाई, ये गलत है, मेंटेलिटी चेंज करो तुम लोगों का। सो नेक्स्ट पॉइंट जो था थर्ड सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हुई थी चीज वो थी एक सीन था मूवी में जिसमें वरुण धवन ट्रेन से भी तेज भागकर एक बच्चे को सेव करता है, और इसमें सब लोग मतलब जो साइंटिस्ट बहुत हमारे इंटरनेट के जो साइंटिस्ट थे वो सब आ गए उसको ट्रोल करने, भाई फिजिक्स होता है कुछ लॉजिक होता है वो सब होता है। सो मेरा उनसे इतना कहना है कि भाई ये चीज हमारे बॉलीवुड में बहुत पहले से हो रही है, हाँ तुम लोगों ने धूम 2 में ऑलमोस्ट सेम सीन देखे थे, लव पिक्चर में ऑलमोस्ट सेम सीन देखे थे, भाग मिलकर भाग यार वो बायोपिक थी रियल इंसान की बायोपिक, उसमें वो बंदा ट्रेन पे भागे जा रहा है आगे आगे, उससे तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ट्रेन से बिंदास कूद रहा है उसके कोई प्रॉब्लम नहीं था उन लोगों को, बट हाँ एक कुली कर रहा है ना, कुली कैसे कर सकता है वो, तो फिर भी इंफेक्शनल कैरेक्टर था,
लेकिन वो नहीं कर सकता भाई, रियल कैरेक्टर्स कर सकते। मेरा सिर्फ लोगों से इतना पूछना है कि भाई अगर यही चीज हॉलीवुड में होती, टॉम क्रूज ने की होती, तो क्या तुम लोगों का सेम रिएक्शन होता? नहीं होता ऑब्वियसली, मैं लिख के देता हूँ नहीं होता भाई। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ अगर वो हम लोग इंडिया बहुत लॉजिकली सोचते हैं, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के जैसा लो, ट्राई करो ना कुछ अच्छी चीजें ढूंढने का। कंपैरिजन तो तुम लोग बार बार कंपैरिजन खुद ही करते हो, आज मैंने कर दिया, फर्क क्या पड़ रहा है? बॉलीवुड को हॉलीवुड से कंपेयर तुम लोग पहले से ही करते आ रहे हो ना। मुझे नहीं लगता यार तुम लोग फिजिक्स और लॉजिक इसमें सब मूवीज में मत लगा रहे हो। कॉमेडी मूवी है, कॉमेडी की तरह लो। मैं ऐसे टाइम के मतलब कि मैं उसमें भी अच्छी चीजें ढूंढता हूँ, और तुम लोग को अगर कुछ अच्छा मिले मूवी में तो मुझे यार कमेंट में बताना जरूर, मैं वेट करूंगा तुम लोगों के कमेंट्स का। अगर मूवी खराब ही लगी है तो उसमें वो भी क्यों लगी है पूरा जरा सोच के बताना कि मूवी इतनी गंदी क्यों लगी। सोचो फिर मूवी को देखो, फिर तुम लोगों को मूवी जज करो और फिर फाइनलाइज करो मूवी के बारे में। ओके सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। हाँ तो टॉपिक खत्म हो गया अभी। हाँ तो मैं हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ अस मे बी, और थैंक यू गाइज उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। और जो 100 सब्सक्राइबर है उनको भी थैंक यू यार, तुम लोग बढ़ाने की कोशिश करो, शेयर करो वीडियोस को, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ाने हैं अपने को ये सब, और बहुत बड़ी फैमिली करनी है। अभी नेक्स्ट टारगेट है मेरा 500 सब्सक्राइबर्स हो जाना चाहिए, बट कभी तक होगा वो हम लोगों को पता नहीं, हो जाना चाहिए, लेट्स सी। और या दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। मैन भाई मैं उस पर बहुत ज़्यादा तगड़ा कॉन्टेंट डालता रहता हूँ। थैंक यू for watching till the end, and I'm meeting the next one. Goodbye.